तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदिवासी व SC ST OBC परिवारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहडोल के केंद्रीय विद्यालय में एक प्रजापति बच्ची के साथ दुर्व्यवहार कर एडमिशन देने से मना कर दिया गया, जबकि उस बच्ची का लिस्ट में पहला स्थान था लेकिन षड्यंत्र रच के उसका एडमिशन नहीं किया गया। आज वही बच्ची अंधकार में पड़ी है। उसके पिता ने कलेक्टर, कमिश्नर व अन्य अधिकारियों के पास भी शिकायत की लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उस बच्ची का एडमिशन हुआ। केंद्रीय विद्यालय में सभी सामान्य वर्ग के बच्चों को लेने की होड़ में प्रजापति परिवार की सातवीं क्लास की बच्ची का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया। अब देखना होगा कि जितनी भी शिकायतें पीड़ित परिवार द्वारा की गई उस पर कार्रवाई होती है या नहीं। क्या परेशानी आ रही है आपको? सर, मैंने अपने बच्ची को एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म डाला था। मेरी बच्ची 7th में एडमिशन लेना चाहती थी, तो सर वहाँ मैंने पता करता रहा तो वो बोले कि एडमिशन आज होगा कल होगा, फिर इसके बाद बोले जो भी होगा 21 जून के बाद एडमिशन होगा। सर मैं जब 22 को गया तो वहाँ का गार्ड मेरे को अंदर नहीं जान दिया, बोले अभी एडमिशन की डेट नहीं आई है। फिर जब 23 को मैं और मेरे मिसेज गए वहाँ पर, तो हमने एडमिशन प्रभारी श्री अरुण कुमार गुप्ता से मिला, तो उन्होंने बताया आपके बिटिया का नाम आ गया है, प्रथम लिस्ट में है। मैंने बोला सर दिखाइए, तो दिखाया तो मेरी बिटिया का जनरल से मेरिट सूची में पहला स्थान था। तो उन्होंने बोला सर आप ऐसा करिए, आप कैटेगरी का प्रमाण पत्र लगा दीजिए, तो आप कैटेगरी का लगाएंगे तो आपका कैटेगरी में कर दूंगा, और एक बच्चे का नहीं हो रहा जनरल का, तो इसके जगह में एक जनरल का बच्चे खो जाएगा तो दे देंगे। बोले नहीं सर, आज आप ले आइए आज, और 26 तारीख को आप अपने TC ले आइए, 26 को आपका कर दूंगा एडमिशन। यह घटना 23 तारीख है, 23 जून के सर। फिर मैंने सर उसको जाति प्रमाण पत्र दे दिया। जब जाति प्रमाण पत्र दे दिया तो मैं सोचा ठीक है आप 26 को TC लेके आ जाइए। सर 26 तारीख को उन्होंने मेरे को 9:30 बजे फ़ोन किए सुबह कि आप TC लेके आ जाइए 11 बजे तक। मैंने कहा ठीक है सर। 11 बजे जब सर TC लेके मैं और मेरी मिसेज वहाँ पहुँचे और मेरी बच्ची भी साथ में थी, तो अरुण कुमार गुप्ता वहाँ गार्ड से बोले कि उनको किसी को मत आने देना। गार्ड से मैंने पूछा कि भाई हमको गुप्ता जी बुलाए हैं, तो गुप्ता जी बोले बात कर लीजिए। बात किए तो गुप्ता जी आए और बोले सर सॉरी सर एडमिशन नहीं हो सकता आपका। मैं कहा सर क्यों? तो बोले सर वो इसलिए नहीं हो सकता कि 24 तारीख लास्ट डेट रही। मैं कहा सर आपने तो हमको 26 को बुलाया था, अब आज ही 9:30 बजे हमको फ़ोन करके बोले कि 11 तक आ जाइए, अब एक घंटा में क्या हो गया सर आपको? ऐसे बात करने लगे, बोले नहीं हो सकता सर एडमिशन। तो हम कहा सर आप तो अच्छा धोखा दिए हमको, हम तो अपने बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम मान्या प्रजापति है। तो लिस्ट है क्या वो जो आपके पास? सर लिस्ट उन्होंने तो लिस्ट चिपकाया भी नहीं और हमको कोई पावती नहीं दी, लेकिन उनके पास जो लिस्ट हमने देखा था उसमें पहला नाम था मेरिट बेस में, क्योंकि बिटिया का मेरा 92% था 6 में। इसके अलावा आपने कहीं और भी कंप्लेंट की है? जी सर, मैंने कलेक्टर मैडम को भी दिया है और कोतवाली में भी इसका एप्लीकेशन दिया है और दिल्ली में भी दिया है और जबलपुर में दिया है। तो सर मैंने फिर इसको देखा तो मैंने फिर प्रचार से मिला वहाँ के। तुम नाम क्या है? मेरा नाम है बलराम प्रजापति।